नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। कांग्रेस पार्टी वैसे तो अब पूरे देश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही। कुछ गिने चुने राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है, और अगर जहां है भी तो वहां कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने बहुत मतभेद, जिसे दबाने की कोशिश तो की जाती रही, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो कांग्रेस के अंदर की बगावत दिख जाती। आपने देखा कि पंजाब में किस तरह से कांग्रेस आपस में भिड़ी थी और वहां दोफाड़ हो गया था। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन किया, फिर पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली, और नतीजा ये हुआ कि पंजाब में कांग्रेस अपनी सरकार भी नहीं बचा पाई और उसे मुंह की खानी पड़ी। अब राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस इस बार पंजाब की गलती को राजस्थान में दोहराना नहीं चाहेगी। जी हाँ, राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच विवाद बहुत पुराना है। कई बार दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान देखने को मिली, लेकिन हर बार कांग्रेस दोनों नेताओं को मनाने में कामयाब रही। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों नेताओं के बीच का विवाद खत्म नहीं होने वाला। वजह है, इसी साल राजस्थान में चुनाव होने वाला है और सचिन पायलट एक बार फिर से बगावती तेवर में दिख रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान किया। यह अनशन 11 अप्रैल को करने वाले, लेकिन कांग्रेस पायलट के इस कदम से नाराज है और पायलट को गंभीरता से भी नहीं ले रहे। यहां तक कि पार्टी पायलट से दूरी बनाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़ी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया। सरकार के कई पहलों ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। पार्टी चुनाव में ऐतिहासिक उपलब्धियों और संगठन के सामूहिक प्रयासों के दम पर लोगों से फिर सेवा करने के लिए वोट मांगेगी। तो इस तरह से आगामी चुनाव में वोट का जिक्र तो जयराम रमेश ने किया और अशोक गहलोत सरकार की तारीफ भी की, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं भी सचिन पायलट का जिक्र नहीं किया। इसे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अब सचिन पायलट को नजरअंदाज कर रही। वहीं सचिन पायलट द्वारा अनशन की तारीख का ऐलान किए जाने के बाद पार्टी इसे भी शक की नजर से देख रही। दरअसल 11 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती है। उनकी जयंती को माली समाज बहुत धूमधाम से मनाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद को माली सैनी समाज से बताते हैं, इसीलिए पार्टी पायलट को ज्यादा तरजीह नहीं दे रही। तो इस तरह से अब तो यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस दो खेमों में बटी और इसका नुकसान कांग्रेस को आगामी चुनाव में हो सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस संकट से कैसे निपटती है, या फिर राजस्थान में भी कांग्रेस का हाल पंजाब जैसा ही होता है। अब जानते हैं, इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके सवा चार साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए